हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अदाब मेरी तरफ सबको एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। पीछे हैरी, साइड में दिवाड़ी। आज हम लोग पता कहाँ जा रहे हैं, शाम के 6:45 बज चुके हैं। तो हमने प्लान बनाया कि एक डैम हमें और मिला, हिडन डैम इन चंडीगढ़, इसको बोलते हैं पर्च डैम। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं पर्च डैम जो चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। पहले आपको सिसवा डैम दिखाया था, मिर्जापुर डैम दिखाया था, जयंती डैम दिखाया था, और ये चौथा डैम है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, पर्च डैम। मैंने भी नहीं कभी देखा, पहली बार आपको दिखा रहा हूँ, खुद भी देखूंगा, देखते हैं कैसा है, वहां जाके पता चलेगा कि पिकनिक स्पॉट लायक है भी है कि नहीं। तो यही रास्ता जा रहा है जी पर्च डैम को, न्यू चंडीगढ़ से रास्ता है सारा। अभी तक तो सो फार सो गुड रास्ता। ठीक है, आसपास देखो जंगल का सारा। यही जयंती देवी डैम को भी जाता है, लेकिन हम जब लास्ट टाइम गए थे वो जयंती देवी डैम वाला रास्ता दूसरा था। तो सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, यहाँ से जयंती डैम भी जा सकते हो आप, जयंती डैम और पर्च डैम। नाम तो बड़ा मॉडर्न सा है, लेट्स सी। पर्च गांव का नाम है मेरे ख्याल से, उसके हिसाब से। ये देखो चंडीगढ़ पुलिस सारंगपुर पुलिस स्टेशन है, ये बटालियन। देखो ये एरिया भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया, अभी यहाँ पे सोसाइटीज वगैरह बनेंगी, देखो कुछ ना कुछ बनेगा। डबल रास्ता है, फर्स्ट इंडियन रिजर्व बटालियन। अच्छा पुलिस वालों का है वो, इधर से कहाँ जाना है, लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट जाना है, क्योंकि आगे डेड एंड है, या राइट है या लेफ्ट है। हाँ ये देखो ये सारा रास्ता जाता है, ये तो उसी रास्ते में आ गया ना, ये नीचे नहीं वो तो आगे है, ये से है पर वैसा वैसा सा है। देखो कितना अच्छा रास्ता है गांव के बीच में। आज थोड़ा हम लेट जा रहे हैं क्योंकि बड़ा उस टाइम गर्मी लगी थी हमें। देखो लोग देखो बांसल ऑर्किड्स, देखो ये लगाए हुए लोगों ने यार, फार्म हाउस देखो लोगों के, ऑर्चर्ड्स देखो, वेरी नाइस। देखो सारा रास्ता, ये रास्ता लेके जाएगा आपको जयंती देवी डैम भी और पर्च डैम भी। जब भी जाना है आपने इस रास्ते से जाना है। काफी रास्ते नए गांव से भी होके जा सकते हो, फॉरेस्ट हिल से भी, लेकिन हमने ये चूज किया क्योंकि इस टाइम नए गांव में भीड़ बहुत होती है। ये देखो खेतों में से, यहाँ थोड़ा भीड़ नहीं है क्योंकि शहर के बाहर बाहर है। तो ये तो डिसीजन अब आगे जाके, राइट लेफ्ट सीधा राइट लेफ्ट सही है, पूछना क्या। जयंती देवी मंदिर के आप, ये इधर है माता जयंती देवी, उस साइड है वहां थोड़ी जा रहे हैं, पर्च डैम जा रहे हैं, जयंती देवी तो जामा है जाए। ये कितना सही रास्ता है देखो, तो ऐसा कुछ रास्ता है। थोड़ा आगे दिखाता हूँ अब आपको, थोड़े शॉर्ट शॉर्ट भी बना ले हम ऐसे रास्ते पे। टूटा हुआ है खैर, काफी गड्ढे गुड्ढे हैं इसमें, इसी चीज का मेरे को डाउट हो रहा था। ऑफ रोडिंग वीडियो बना रहा है तो शेक शेक। ये देखो आसपास का व्यू अच्छा है, येलो येलो पीछे बैकड्रॉप पे पहाड़। ऑल द वे टू पर्च डैम चंडीगढ़। छोटे छोटे डैम हैं चंडीगढ़ में, चार पांच, सारे दिखा दिए, यही रह गया था। हाँ एक को शल्ले डैम भी, और पंचकुला पड़ता वो भी दिखाऊंगा किस दिन। गाइस नीचे की जमीन कितनी नीचे है देखो, लेफ्ट साइड वाली, और हम कितनी हाइट पे हैं, बड़ा यार लैंड नीचे इधर तो। ऐसे कैसे उठी उठा रखी रोड बहुत ज्यादा, ये ऊंचा है सारा और ये नीचा है लेफ्ट साइड वाला। नीचे रास्ते से स्टार्ट हो जाता है पहाड़ी पहाड़ी से, ये देखो सारा नीचा है, जब भी आप आएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। उधर देखो वो ऊंचा है, पर सड़क नहीं सही, जयंती देवी वाली सड़क सही थी। देखो खेतों में बैठे लोग, ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, येलो येलो वेरी नाइस, पीसफुल प्लेसेस नियर चंडीगढ़, पीसफुल प्लेसेस। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं फोटो शूट, रील्स, पिकनिक मनाने, चंडीगढ़ के बाहर डे आउट। जब थोड़ा मॉनसून का टाइम हो तब ज्यादा मजा है। ये देखो किसने हट बना रखा है उसका, जूट से का। तो ये आ गया जी पर्च विलेज, इसको पर्च गांव के नाम से जानते हैं। इसी गांव में डैम है, पहले गांव आता है फिर डैम। गांव तो बड़ा, सड़क नहीं सही, बाकी तो सब कुछ सही है। दिस इज पर्च, काफी इधर उधर सड़क आ रही है, उड़े को पानी की टंकी, ये जयंती देवी में भी थी, जयंती गांव आया था। सारा पर्च, ये देखो सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल पर्च, पर्च अच्छा पर्च नाम है पर्च, देखो ये है जी पर्च गांव।
पहाड़ी सा है, नीचे को ढलान सी लग रही थोड़ी सी मेरे को। सारा पर्च विलेज लीडिंग टू पर्च डैम। पहले खेतों से निकल के हम यहाँ आए, जो भी पर्च से किधर जाना, सीधा इधर लेफ्ट। अरे शो नहीं, नहीं, सीधा सीधा आगे से, आगे से। ये देखो जी, क्या दिमाग में आया था मेरे, बोल गया मैं। खरड़ में आता है, तहसील खरड़ है। और सड़क नहीं मेरे को सही लग रही, बाकी तो सही है। ऐसे आपको नई नई चीजें दिखाते रहते हैं। हाँ, जो भी कोई वीडियो देख रहा है पर्च से, प्लीज कमेंट करना और हमें बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। देखो कुआं पुराना कितना, बिल्डिंग कितना पुराना, कुआं कुआं है ना वो, देख कुआं टिंडा वाला है। ये देखो गाइस कहाँ पहुंचे हुए हम, एकदम चंडीगढ़ से निकल के ना एकदम ऐसी जगह पे आ जाते हो, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए। 160 साल कुआं था वो, है ना, ऐसे लग रहा है थोड़ा पहले आना चाहिए था। सारा गांव है जी, गांव के बीच में घूम रहे। गांव लाइफ भी एक अपनी होती है यार, मस्त जिंदगी। ना कोई रेस्टोरेंट्स है, ना कोई खाना पीना इधर उधर का, शांति है, टेंशन नहीं है इतनी, मस्ती। एक दूसरे के सब मिलते भी हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं। कोई किसी के घर में घूम रहा होता है, किसी ने दोपहर की रोटी कहाँ खा ली, किसने रात का कहाँ खा लिया, सुबह कोई वो नहीं होती। ये देखो कुप लेप के बनाए हैं। चलो ये देखो गेड़ी बज रही पर्च की, मजा आ रहा है। देखो आपको एक नई नई चीज दिखा रहे हैं। हाँ पुराना गेट। हेलो बच्चा किधर, सीधे ये इधर, डैम इधर होगा ब्रो, तो गोल गोल घूम गए हम वापस चले गए। तो गाइस यहाँ से राइट लेना था, हम आगे निकल के देखो बोर्ड लगा हुआ, आपको ये बोर्ड दिख जाएगा। टेंपल भी एक्चुअली वहाँ पे, इसे दिख नहीं रहा। ये देखो ये बोर्ड है पीछे, माता वैष्णो देवी मंदिर। चलो दिख नहीं रहा, चलो पर्च डैम ये रास्ता जाता है, ज़िगज़ैग रोड्स। अब तो बिल्कुल नीचे से उतर गए, यहाँ भी पौड़ियाँ होंगी। ये देखो आसपास का माहौल, जंगल का रास्ता, नाइस। देखो उजड़ा सा हुआ है ये सारा बियाबान सा। ये लिखा है देखो, माता मनसा देवी मंदिर ग्राम पड़च। किधर है टेम्पल, इधर है कहीं। ये आ गया जी गुरुद्वारा साहब, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहब आ गया जी पर्च खुर्द, सरकारी प्राइमरी स्कूल पर्च खुर्द जगह का नाम है। वो पर्च था, ये पर्च खुर्द है, ये अलग गांव है। देखो सारा पर्च, मेरा दिल कर नहीं रहा वैसे कैमरा बंद करने का, क्योंकि अलग अलग वेरिएशंस दिख रही है मेरे को यहाँ पे। शहर से दूर आगे में एक्साइटमेंट सी हो गई है। लेफ्ट में किसी ने कुछ बो रखा है, खेत है किसी का, ढका हुआ है उसको, बस दिखाना नहीं चाहते क्या है वो सीक्रेट। सड़क की वजह से थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ मैं, अदरवाइज तो बाकी तो अच्छा है। सड़क बनाई नहीं, जिस जो भी इस एरिया का वो है जीता हुआ है। देखो क्रिकेट खेल रहे बच्चे शाम को गाँव के, पर्च चैंपियनशिप हो रही है। देखो एटलीस्ट फोनों को छोड़ के बच्चे बाहर खेल तो रहे हैं यहाँ पे, शहर वाले तो आजकल बस पबजी और ये। चलो मैं नहीं कहता माड़ा है, उससे भी लोग जनरेट कर रहे हैं इनकम, घर वालों की जिम्मेवारी उठा रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। पर आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है। सड़क बड़ी नैरो सी है, देखो मेरे को यहाँ आके लग ही नहीं रहा है कि चंडीगढ़ की इतनी करीब जगह है, क्योंकि यहाँ में माहौल ही नहीं है। ये देखो बिल्कुल ओल्ड सा है ना, ये बंद कर रखा है। देखो वो लिखा है डैम मनसा देवी, क्योंकि मनसा देवी सॉरी वैष्णो देवी टेम्पल है बिल्कुल पर्च डैम के पास, दरबार माता वैष्णो देवी। ये भी दिखा दूंगा आपको, दो व्लॉग बना लेंगे। मंदिर बढ़ेगा इस एरिया में, देखो इन्होंने दरवाजे ऐसे रखा हुआ है। खुशबू सी आ रही ना बाहर से गोबर। ये देखो नेचुरल से सामने,
घूमने वाला सा एरिया लग रहा है मेरे को। कहाँ घूम रहे हम वैसे? ये मंदिर जाके आए हैं सारे यार। ये तो पूरी रोड खराब है, देखो कितना ऑफ रोड है यहाँ। वो देखो गाइस, टेंपल यहीं से दिख रहा है, हाइट पे है वो। तो किसी दिन और चलेंगे, पर इतना भी नहीं है। चलो देखते हैं जैसे भी समा रहा। पहले तो हम डैम पे ही जा रहे हैं। देखो बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ फ्रीक्स, नाइस, आई लाइक इट। पर आसपास तो पूरा ही जंगल है, इधर भी और इधर भी। यहाँ कोई नहीं है। अब गाड़ी के शॉकर ठप 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 कर रहे हैं पूरे। यहाँ ऐसे है तो अलूफ सही है, रात को तो खतरनाक एरिया है। हाँ यहाँ के लिए वही गाड़ी लेके आनी चाहिए थी। ये देखो पुल से पे खड़ गए वहाँ के, पूरा पूरा रास्ता। बाकी जगहों से दूर है थोड़ा, मतलब बाकी जो डैम से ना उनकी रोड ठीक थी, पक्की रोड थी एंड तक। ये तो काफी अलग अनुभव हो रहा है हमारा। गाइस ये गेट देख लो, ये कितना सा गेट है, कब का होगा ये? और कोई गाड़ी भी नहीं हमारे अलावा, हम ही अकेले यहाँ पे। मैं आपको रास्ता पूरा इसलिए दिखाता था यार, सीधा व्लॉग दिखाने का कोई मतलब नहीं। अगले आपने आना है, आप देखो तो सही, मतलब किस किस जगह से हम गुजर गए हैं। रास्ता भी जरूरी है, इन जगहों का रास्ता बहुत। हाँ, और तुम रास्ता मंजिल भी चलो दिखानी दिखानी, रास्ता भी जरूरी है। देखो कैसी बिल्डिंग सी, डिजर्टेड सी, यहाँ तो मिट्टी है पूरी। डैम वालों गलत गाड़ी ले आए वैसे हम लोग यहाँ पे, ये वाली मेरे को ऐसा फील हो रहा है। ये देखो यहाँ कहाँ बेंच लगाया बैठने के लिए, हमारी गाड़ी बड़ी कष्ट सहती है ये। क्यों आगे आ जाती है? हर हर जगह कष्ट सहने के लिए आगे कर देती है अपना हाथ खड़ा। अब जब भी हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मिलियन मुलियन, फिर हम इसको सम्मानित करेंगे। असली जर्नी इसी की रही है हमको यहाँ पहुँचाने के लिए, हर जगह पे थार थूर की नहीं है, इसी अच्छे रोड पे चलती है। हाँ इसको ही मानेंगे हम, मैं इसको तोहफा दूंगा हक करके, इसको एक नया इंजन ला के देंगे। पर इंजन तो दिल होता है, इंजन नहीं कुछ और देंगे इसको। पता नहीं अभी भी नहीं आ रहा डैम तो। चल आ गया डैम, आ गया पर्च डैम, माता वैष्णो देवी दरबार पर्च डैम। भाग भाग के कहाँ जा रहे हैं बच्चे? डैम पे जाएंगे। ये देखो जी डैम का बिल्कुल रास्ता एंड में कैसा हो गया। ओहो देखो लोग कितने आ रहे, तो फिटनेस फ्रीक है। ये भी कह रहे होंगे कौन सा डैम देखने आए हैं, भागड़ा नंगल नंगल देखने जाओ। टूरिस्ट स्पॉट बनाया है इसका, कोई गाड़ी नहीं हमारे अलावा, यही रहा बस। फिर यही लगा दें, कोई पंचर पुंचर होगी तो पंगा पै जाऊ। देखो गाड़ी सम्मानित करनी चाहिए ना गाइस, कमेंट करके बताना। हक करूं मैं इसके उतर के, पहले इसकी मिट्टी पहुंचूं अपने कपड़ों से नंगा होके, फिर बात बनती है। ये देखो जी माता वैष्णो देवी दरबार, इधर ये तो ऊपर है, वो है टेम्पल ऊपर, वो देखो यहाँ से दिख रहा है। वहाँ किसी और दिन चलेंगे, वैसे और दिन आया तो जाता नहीं है। देखो पेड़ काट रहे हैं यार, ये भी ये है रास्ता, ये देखिए तो लाइटें लूटे लगी हुई है प्रॉपर यार। ये जगह तो मैंने देखी पहली बार, ये वो देखा के मंदिर वो है ऊपर, पौड़ियाँ हैं उधर प्रॉपर, वो देख। तो गाइस ये है जी पर्च डैम। देखो बच्चे बड़ी रनिंग कर रहे हैं यार यहाँ पे। दिस इज द डैम जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। ये लिखा है डैम विच पानी बहुत डूंगा है, अंदर तक पानी का एक थुपका भी नहीं। कोल नहाना, फोटो खिंचना या नहाना सक मना है, शराब पीना हुक्म, कार्यकारी इंजीनियर। ये देखो डैम तो सूखा पड़ा है बिल्कुल ही, तो पानी नहीं है। यहीं से भी दिख रहा है, व्यू को अंदर है ही कुछ नहीं, दरारें। वो है मंदिर ऊपर, अच्छा वो मंदिर अलग है, ये अलग है, वो है जी टेंपल। देखो किस लोकेशन पे है यार ये जगह, पानी उतना सा है बस, वो वाला दरारें पड़ी हुई इसमें, गहराई पता लगी आज इतनी है।
वो देखो किश्ती पड़ी, एक किश्ती भी किस काम की जब पानी नहीं है, बीच में गायें घूम रही हो, देखो मज्जा। पर्च डैम, ये भी कुछ गोल सा पड़ा है। तो यहाँ आ तो गए, लेकिन मंदिर जाना है वैसे। वो रहा वो ऊपर, ये नहीं मंदिर, ये वाला है, ये वैष्णो देवी वाला, ये है, ये भी, हाँ ये भी लग रहा है कुछ, वो लग है। आसपास देखो गाइस कितना नियम है यहाँ पे, बाकी में तो जगह जगह होती थी, जंगल ही है यहाँ पे, ये नीचे पूरा जंगल है ना। इस पे नहीं लिखा हुआ पर्च टैम, लिखा होगा उधर, वो लिखा हुआ है। हाँ ये हर जगह लिखा हुआ है इन्होंने। एक बंदा वहाँ गया होगा पानी के पास, थोड़ा सा पानी है, वो बंदा गया उधर, देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो गाइस देखो नीचे आ चुके हैं बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे ना गीला है, ये देखो इसमें, देखो ये देखो सारा गीला है, मच्छियाँ मुच्छियाँ भी हैं इसमें, स्मेल आ रही बड़ी गंदी, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से ना, क्रैक्स हैं जो देखो, वो लोग मच्छी पकड़ रहे हैं उधर सारे, वो देखो मच्छी पकड़ रहे हैं उधर, मंदिर है ऊपर, ये रनिंग के लिए तैयार हो रहा है, स्प्रिंट मारेगा वहाँ तक, गीला है ये सारा। वैसे तो देख लो यहाँ बरसात में कान, जब पानी होगा कोई भी नहीं आ सकता, हम अब उतर के इसमें घूम रहे हैं, तो इसका मतलब गहराई सी तो हमें ऑलमोस्ट लग गई पता इसकी। ये सूखा है देख, ये कितना हार्ड है, ये वाले हार्ड है, इस पे देखिए कौन सा जानवर चला है ऐसे, ये है ना कोई बड़े से पंजे वाला जानवर है कोई। हाँ गाय तो नहीं लगे, गाय कैसे थोड़ी होते हैं, ये गाय के भी नहीं है, वो होंगे गधे होंगे। ये देखो इधर इधर कॉर्नर पे चला है, देखो क्या कुछ साथ में आ रखा है इसके, डॉगीज होंगे ये, बियर के कैन देखो, इंजॉयमेंट पार्टी, ये देखो मटका मुटका साथ में आ रखा है, दिया ये मूर्ति पड़ी है बजरंग बली की है ना, देखो पौड़ियों ऊपर सारा पर्च डैम है ये, मतलब यहाँ तक पानी तो आता है इसके, वहाँ तक ऊपर तक ही आता है जहाँ तक, ये रेड रेड पता नहीं क्या उग रखा है। चलो ऊपर चलते हैं अब, होली का रंग, किसने होली भी मनाई हुई है यहाँ पे देखो, वाओ व्हाट अ प्लेस टू सेलिब्रेट होली, पर्च डैम। ये देखो गाइस स्पिलवे नीचे, यहाँ तो पानी है, ये लगी जगह पे बना हुआ है साइड से पे, गाड़ी हमने वहाँ खड़ाई हुई है, यहाँ से इधर साइड पे बना हुआ है, यूजुअली उस डैम के पास ही होता है, जंगल में है। सो गाइस ये था जी पर्च डैम, मंदिर नहीं जा रहे अब लोग, अभी यही दिखाया आपको, वो फिर कभी एक व्लॉग में एक ही चीज़, नहीं तो फिर बाकी चीज़ की अहमियत नहीं रहती, ऐसा कुछ नहीं, बाकी देखेंगे, मूड नहीं है जी बेसिकली, गल ये है ठीक है जी, धूप इधर है बेसिकली, मूड नहीं है तो तभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, ज़रूर आइए यहाँ पे मज़ा करना है तो, पर्च डैम चंडीगढ़। बाय बाय, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबा के, रास्ता भी दिखा दिया व्लॉग भी दिखा दिया।